हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात का फेमस ब्रेकफास्ट फाफड़ा। ये फाफड़ा जेठालाल को भी बहुत पसंद है और सबको पसंद आती हैं। तो फाफड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन को छान लेंगे ताकि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ बेसन को हमने छान लिया है। अब हम डालेंगे बेसन में अजवाइन, हींग डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। नमक भी डाल देंगे और यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। इससे फाफड़ा बहुत ही एकदम खस्ता खस्ता बनता है ऑयल डालने से। अब इसका हमें डो लगा लेना है। पहले अच्छे से सारी चीजों को हम मिला लेंगे और यहाँ पर हम बेकिंग सोडा भी डालेंगे। अगर आपके पास पापड़ खार हो तो वो डाल सकते हैं, फाफड़ा में वही डाला जाता है। अगर नहीं हो तो आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। तो एकदम 1 पिंच डालना है बेकिंग पाउडर, ज़्यादा नहीं, और इसको मिला लेंगे और थोड़ा सा सख्त डो लगा कर रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो ये देखिए, हमने डो को बना लिया है। अभी इसको मसल मसल कर थोड़ा स्मूथ बना लेंगे। तो आपको सुनने में लग रहा होगा कि फाफड़ा बनाना बहुत ही कठिन है, लेकिन बहुत ही आसान है ये फाफड़ा बनाना। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करते हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इसको हम अब 10 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट के लिए। और अब बनाएंगे फाफड़ा के साथ खाने वाला संभारो। ये फाफड़ा के साथ खाया जाता है। तो यहाँ पर हमने कच्चा पपीता लिया था, एक छोटा साइज का, उसको ग्रेट कर लिया है और 2-3 हरी मिर्च को ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है और यहाँ पर ले लिया है कड़ी पत्ता। तो चलिए संभारो बना लेते हैं। तो संभारो बनाने के लिए हमने 1 टेबल स्पून तेल कढ़ाई में रख दिया है। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे राई, और ये कड़ी पत्ता डाल देते हैं। हल्दी पाउडर डाल देते हैं और ये पपीता और मिर्च को भी डाल देंगे। तो अब यहाँ हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, क्योंकि गुजराती रेसिपी है तो बिना चीनी के अधूरा है, और लाल मिर्च पाउडर, नींबू डाल देंगे थोड़ा सा, और डालेंगे यहाँ नमक। बहुत ही जल्दी ये रेडी हो जाती है, मात्र 5 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसको ज़्यादा पकाना नहीं रहता है। इसको बस मिला देंगे और गैस बंद कर देंगे। संभारो बनकर रेडी है। ये देखिए, मात्र 5 मिनट में ये संभारो बनकर रेडी हैं। इसको फाफड़ा के साथ खाया जाता है। तो फाफड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे चौड़े पैन में तेल को रख दिया है गर्म होने के लिए। आप फाफड़ा बनाने के लिए चौड़े बर्तन का यूज करें ताकि फाफड़ा उसमें आसानी से फ्राई हो सके। तो चलिए फाफड़ा बनाना चालू करते हैं। तो ये डो को रखे हुए भी हमें 10 मिनट हो गया है। इसको वापस से हम अच्छे से इसको मसल लेंगे। और कोई भी ये लकड़ी का चॉपनर ले लेंगे और उस पर ही फाफड़ा बनाएंगे। लकड़ी पे आसानी से ये फाफड़ा बन जाता है। तो इसको बराबर बराबर टुकड़ों में हम डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए, ऐसे बना लेंगे हम ताकि फाफड़ा बनाने में हमारा आसानी हो।
तो सारे पीसेस को हम ऐसे ही बना लेंगे, उसके बाद हम फाफड़ा बनाएंगे। तो फाफड़ा बनाने के लिए हम एक लोई लेंगे और इस लोई को हम यहाँ किनारे पर रखेंगे। चॉपर के किनारों पर आपको रखना है, बीच में नहीं रखना है। अगर बीच में रखेंगे तो उसको निकालने में दिक्कत होगी। तो हमने किनारों पर लोई को रख लिया है। अब हम अपने हथेलियों से बीच से प्रेस करेंगे लोई को। प्रेस करते हुए हम इसको बढ़ाएंगे। तो आप देखिएगा मैं यहाँ कैसे बना रही हूँ। हमने यहाँ लोई रख दिया है, इस पे हाथ लगाएंगे ऐसे और इसको दबाते हुए आगे की तरफ प्रेस करते हुए ले जाएंगे। ये देखिए, और एक्स्ट्रा जो बेसन है वो हम निकाल देंगे इसमें से। ये जो एक्स्ट्रा आ गया है इसमें, अब हम इसको कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक नाइफ ले लेंगे और नाइफ से ऐसे हल्के हाथों से इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथ में भी थोड़ा चिपक गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमने दूसरा फाफड़ा तैयार कर लिया है, तो इसको हम नाइफ से निकालेंगे। तो नाइफ को एकदम चॉपर में नीचे से लेकर जाना है और इसको यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये फाफड़ा को निकाल लिया है। अब इसको हम चलते हैं तलने की प्रोसेस में। तो फाफड़ा को तलने के लिए तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। तो तेल हमारा यहाँ गर्म हो गया है। गोल्डन ब्राउन होने तक फाफड़ा को तलना है और तल कर इसको निकालते जाना है। तो ऐसे ही हम सारे फाफड़े को बनाते जाएंगे और फ्राई कर कर निकालते जाएंगे। दोनों तरफ फ्राई कर लेना है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये फाफड़ा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची फाफड़ा बना है। ये देखिए, एकदम छूने से टूट जा रहा है। तो आप भी इसको अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ हम पपीते का संभारो पास में रख देते हैं और जलेबी भी खा सकते हैं इसके साथ। फाफड़ा जलेबी वैसे तो फेमस है, और इसके साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी अपने घर में ये ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।